बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साबिर शफी। आज एक बार फिर न्यू टॉपिक के साथ मैं आपको एक्सेल के लॉजिकल फार्मूला बताऊंगा कि लॉजिकल फार्मूले को हम एक्सेल में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद हमारी जो भी वीडियोज़ अपडेट होती हैं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलते हैं हम अपने एक्सेल की तरफ। एक्सेल पे देखें, जो हमारे पास जो टॉपिक है वो है लॉजिकल फार्मूला। लॉजिकल फार्मूला बेसिकली होते क्या है और हम इसे कब यूज़ करते हैं? अगर हमारे पास कोई कंडीशंस बनाने के लिए आ जाती है तो हम इसे अपनी कंडीशंस में यूज़ करते हैं लॉजिकल फार्मूला। लॉजिकल फार्मूले हमारे पास इफ और एंड और नेस्टेड इफ, ये हमारे पास फार्मूले होते हैं, इन्हें हम कंडीशंस में यूज़ करते हैं। कंडीशन में किस तरीके से यूज़ करेंगे, देखें। जैसे यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाया हुआ जिसमें सीरियल नंबर है और कस्टमर के नेम और कस्टमर का टोटल अमाउंट, यानी कस्टमर का टोटल बिल कितना बन रहा है, जिसमें 30,000 है, 22,000 है, 8,000 डिफरेंट है, और क्वांटिटीज़ हैं कि कस्टमर ने कितनी कितनी क्वान्टिटीज़ वगैरह यहाँ पर परचेज वगैरह की हुई है। तो एक जस्ट कोई भी आप एक रिकॉर्ड बना सकते हैं और उस रिकॉर्ड को इफ़ और एंड नेस्ट इफ की कंडीशन के साथ उसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले देखें, यहाँ पर अगर हम इफ़ कंडीशंस लगाते हैं, इफ़ कंडीशन मींस यानी कि अगर आप एक से ज़्यादा कंडीशन अगर आप रहना चाह रहे हैं कि हमारे पास अगर ये अमाउंट हो तो ये आ जाए या तो फिर ये आ जाए, तो इस तरीके से हम इफ़ कंडीशन को यूज़ करेंगे। यहाँ देखिए, मैं लिखा हुआ है कि बिल ग्रेटर देन 6,000, अगर जो टोटल बिल है कस्टमर का अगर वो 6,000 से ज़्यादा है तो उसको डिस्काउंट कितना मिल जाए, 8% का डिस्काउंट मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं अपना फार्मूला कि किस तरीके से इफ कंडीशन का फार्मूला अप्लाई करेंगे। इक्वल टू इफ लिखेंगे, ब्रैकेट ऑन करेंगे। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, टोटल बिल वाले सेल को सिलेक्ट करना है और साइन बना देना आपने ग्रेटर देन का, और आपने अमाउंट लिख देनी कितनी, 6,000, जैसे हमने यहाँ मेंशन की लिए कि अगर बिल 6,000 से ज़्यादा है तो हमारे पास क्या प्रिंट हो जाए, कॉमा लगाएंगे, डबल कोटेशन। कोई भी चीज़ अगर आपको ट्रू वैल्यू प्रिंट करवानी होती है तो आप उसे कोटेशन के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ मैं चाह रहा हूँ कि अगर मेरे पास C8 30,000 ग्रेटर है 6,000 से, तो मेरे पास क्या प्रिंट हो जाए, कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहे हैं हम, 8% डिस्काउंट, कोटेशन क्लोज करके कॉमा लगा देंगे, और फॉल्स वैल्यू हम क्या लिखेंगे, कोटेशन बना के 0 और कोटेशन क्लोज। यानी कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो ये फर्स्ट इन्वर्टेड कॉमा वाली वैल्यू को प्रिंट कर लेगा, अगर फॉल्स होती तो ये सेकंड वाली वैल्यू को प्रिंट करेगा। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो अब हम इसे एंटर करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर आपको क्या पढ़ लिया, यानी कि आपकी जो बिल था वो 30,000 से, यानी कि 6,000 से बड़ा था, तो आपको कितना परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है, 8% डिस्काउंट मिल रहा है। इसे हम ड्रैग कर लेते हैं, इससे हमें सबके डिस्काउंट मालूम हो जाएंगे। अब देखिए, जगह कहाँ कहाँ हमारे पास 8% डिस्काउंट आ रहा है, कहीं हमारे पास 0% आ रहा है। इसका मतलब देखें, जो हमने कंडीशन बनाई थी, F2 से हम फॉर्मूले को एडिट कर लेते हैं। देखें C12 पे क्या लिखा हुआ है, 5,600, क्या 5,600 6,000 से बड़ा है, यानी कि छोटा है। जब यानी कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई तो ये क्या कर रहा है, 0 को प्रिंट करवा रहा है, इसलिए यहाँ पर कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा। इसी तरह इस सेल में भी कोई डिस्काउंट नहीं है और इस सेल में भी कोई डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा। तो ये तो हमारे पास होगा सिंपल इफ कंडीशन का फॉर्मूला। अब हम चलते हैं नेस्ट इफ टू फॉर्मूले के अंदर। पहले मैं क्या करता हूँ, इस सेल को सिलेक्ट करके इन तमाम सेल्स को, इनकी वैल्यू को सेंट्राइज कर दूँ, ताकि हमारे पास ये कॉर्नर में वैल्यूज आ रही होंगी तैसे मैं सेंट्राइज कर दूंगा यहाँ से। तो देखिए, इस तरीके से वैल्यू अब आपके पास सेंट्राइज आ जाएंगी सब पे। अब चलते हैं हम अपना नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ मीन्स यानी कि अगर हम एक से ज़्यादा कंडीशन यूज कर रहे हो और उसमें एक से ज़्यादा इफ का इस्तेमाल हो रहा हो तो वो नेस्टेड इफ कहलाता है। तो उसके हम अंदर क्या काम करेंगे, यहाँ पर इक्वल टू लगाएंगे आप इफ, ब्रैकेट ऑन करेंगे। अब ब्रैकेट ऑन करने आपने क्या लिखा हुआ यहाँ पर, इफ कस्टमर बिल, यानी कि अगर कस्टमर का बिल 20,000 से ज्यादा हो तो क्या ग्रेड हो जाए, ए आ जाए। अगर कस्टमर का बिल 12,000 से ज्यादा हो तो बी हो जाए। अगर 10,000 से कम हो तो क्या हो जाए, सी आ जाए आपके पास। अब वो किस तरीके से प्रिंट करेंगे हम, यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट के अंदर हम अपने टोटल बिल को सिलेक्ट करेंगे इफ, और यहाँ लगाएंगे ग्रेटर देन। सबसे पहली कंडीशन हमारी क्या थी, 20,000, अगर कस्टमर का बिल 20,000 से ज़्यादा है, कॉमा लगाएंगे और डबल कोटेशन के अंदर क्या प्रिंट हो जाए, ए, यानी कि अगर कस्टमर का बिल 20,000 से ज़्यादा है तो क्या प्रिंट हो जाए, ए, कॉमा लगा देंगे, सेकंड,
कंडीशन हम बनाएंगे इफ, अगेन हम इफ कंडीशन बना रहे हैं, अगर कस्टमर का बिल ज्यादा हो किससे 12,000 से, तो कॉमा लगाएंगे और कोटेशन क्या है तो हमारे पास क्या प्रिंट हो जाए, बी प्रिंट हो जाए। बी लगाएंगे, कोटेशन क्लोज कर देंगे, कॉमा लगाएंगे, अदरवाइज अगर कस्टमर का बिल 10,000 से कम हुआ तो क्या प्रिंट हो जाए हमारे पास, कोटेशन के अंदर सी लिख देंगे और कोटेशन क्लोज कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब जो पहला ब्रैकेट क्लोज हो ये आपकी सेकंड वाली कंडीशन का, एक और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे तो ये आपकी फर्स्ट वाली कंडीशन का ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा और एंटर कर देंगे। तो देखिए आपके पास ए आ रहा है, इसको हम ड्रैग कर देंगे, देखिए कहाँ हमारे पास ए आ रहा है, कहाँ हमारे पास बी आ रहा है और कहाँ हमारे पास सी आ रहा है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास कस्टमर की बिल हमने कहेंगे 20,000 से ज़्यादा हो तो ए हो, 12,000 से ज़्यादा हो तो बी हो, 10,000 से कम हो सी हो। यहाँ 12,000 से भी ज़्यादा है यानी कि 20,000 से ज़्यादा है तो ए आ रहा था, या 8,000 है तो कंडीशन में क्या आ रहा है हमारे पास सी आ रहा है, यानी 8,000 मीन्स यानी कि 10,000 से कम है तो हमारे पास यहाँ पर सी प्रिंट करवाते हैं। अब चलते हम अपने और वाली कंडीशन पे, और वाली कंडीशन का फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं कि यहाँ पर हमने दो कंडीशन एक साथ लगाएंगे, यानी कि दोनों कंडीशन में से या तो ये सही हो या तो ये सही हो, यानी कि दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन आपकी सही होनी चाहिए तभी आपके पास वैल्यू टू वाला आंसर प्रिंट होगा। वो कैसे होगा, यहाँ पर इक्वल टू आप लगाएंगे इफ, ब्रैकेट ऑन करेंगे और ब्रैकेट के अंदर आप फॉर्मूले में लगा लेंगे और, फिर अगेन ब्रैकेट ऑन कर लेंगे। अब और मीन्स यानी कि और के फंक्शन का हम यूज़ कर रहे हैं कि यानी कि अब आपका बिल अगर 12,000 से ज़्यादा हो, यानी कि आपका बिल सेलेक्ट को सेल को मैंने सेलेक्ट किया, ग्रेटर देन किससे ज़्यादा हो 12,000 से अगर ज़्यादा हो, कॉमा लगा देंगे और अब और कंडीशन में एक और कंडीशन आ रहे हैं, या क्वांटिटी ज़्यादा हो इक्वल टू, या ज़्यादा हो या बराबर हो किसके 4 के, कोटेशन अब यहाँ पर हम क्या करें ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, यानी कि ये हमारी और ही कंडीशन बन गई है, या तो ये कंडीशन या आपका बिल 12,000 से ज़्यादा हो या आपकी क्वांटिटी 4 क्वांटिटी से ज़्यादा हो, कॉमा लगा देंगे। कॉमा इसी लगाया कि आपका और की जो कंडीशन थी वो कंप्लीट हो गई है। अब इफ के लिए हम क्या करेंगे, अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है कोई एक भी तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाए, कितना परसेंट हम डिस्काउंट दे रहे हैं 15%, डबल कोटेशन बनाएंगे 15% का डिस्काउंट, कोटेशन क्लोज, कॉमा और कोटेशन अदरवाइज 0, यानी कि कोई भी डिस्काउंट नहीं। अब हम करेंगे ब्रैकेट क्लोज। अब देखें दोनों कंडीशन बनाएंगे, एक कंडीशन भी अगर आपकी ट्रू होती है तो ये हमें 50% का डिस्काउंट दे देगा, अगर दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी तो ये 0% का हमें डिस्काउंट देगा। इसका मतलब कि कोई एक और मीन्स यानी कोई एक नई कंडीशन हमारी ट्रू होनी चाहिए। एंटर करेंगे, अब देखें 15% आ रहा है, यानी कि हमने जो फॉर्मूला लगाया था 12,000 बिल 30,000 है, यानी कि एक कंडीशन ट्रू हो गई है। क्वांटिटी कितनी है 15, यानी कि इस यहाँ पर दोनों कंडीशन है वो ट्रू हो रही है, इसलिए हमें 50% का डिस्काउंट मिल गया। अब देखें इसे मैं ड्रैग कर लेता हूँ, अब देखिए सिर्फ यहाँ पर मुझे 0% मिल रहा है, यानी कि मुझे कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा। अब यहाँ कंडीशन देख लेते हैं, हमारा बिल 12,000 होना चाहिए था, इससे ज़्यादा है, यहाँ 8,000 है, इसका मतलब एक कंडीशन फॉल्स हो गई। क्वांटिटी 4 से ज़्यादा होनी चाहिए थी, यहाँ क्वांटिटी भी कम है। चलिए अगर मैं क्वांटिटी को बढ़ा देता हूँ, मैं क्वांटिटी को 5 कर देता हूँ, तो देखें अब 15% का डिस्काउंट मुझे मिल गया यहाँ पर। इसकी वजह यह है कि हमारी देखें इन दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, क्योंकि और का मतलब है कि कोई एक नहीं, या तो ये कंडीशन सही हो या ये वाली कंडीशन, यहाँ पर हमारे पास दोनों कंडीशन फॉल्स थी तो इसलिए हमारे पास 0 आंसर दे रहा था। अब चलते हैं हम अपने लास्ट फंक्शन एंड फंक्शन के ऊपर। एंड फंक्शन जो हमारे पास यूज होता है इसमें भी हम डबल कंडीशन लगाते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि दोनों कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है। अगर हम एक कंडीशन बनाए वो भी ट्रू हो, सेकेंड कंडीशन बनाए तो वो भी ट्रू हो। इक्वल टू इफ ब्रैकेट ऑन करेंगे और हम लिखेंगे एंड ब्रैकेट ऑन करेंगे। अब हम कहेंगे यहाँ पर बिल 18,000, यानी कि अब आप कस्टमर का बिल अगर 18,000 से ज़्यादा हो, कस्टमर का बिल ग्रेटर देन कितना 18,000 कॉमा लगा देंगे और क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि या तो 8 से ज़्यादा हो या 8 के बराबर हो, कितनी 8 और ब्रैकेट क्लोज करके कॉमा लगा देंगे। कॉमा लगाएंगे, अब आपकी एंड की कंडीशन कंप्लीट हो गई। अब देखें बिल आपका 18,000 से ज़्यादा होना चाहिए,
बिल 18,000 से ज्यादा है, कंडीशन ट्रू हो रही है। सेकंड कंडीशन देख लेते हैं, क्वांटिटी आपकी 8 से ज्यादा हो, क्वांटिटी भी आपकी 8 से ज्यादा है। अब देखिए यहाँ दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है, क्योंकि एंड मीन्स यानी कि ये और ये दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है। अब कोटेशन के अंदर हम इफ के लिए हम क्या करेंगे, क्या प्रिंट हो जाए, कितना परसेंट डिस्काउंट, 25% डिस्काउंट। कोटेशन क्लोज कॉमा लगा देंगे, अदरवाइज 0% का डिस्काउंट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब देखेंगे हमें 25% डिस्काउंट मिल रहा है, क्योंकि एंड के अंदर हमारी दोनों कंडीशन ट्रू जा रही है। इसे भी हम यहाँ पर ड्रैग कर देंगे, तो देखें यहाँ पर कहीं पर हमें 25 मिल रहा है और बाकी सब जगह में जीरो मिल रहा है, क्योंकि देखें यहाँ पर क्या है, अमाउंट आपका बिल 18,000 ज्यादा होना चाहिए, क्वांटिटी 8 से ज्यादा होनी चाहिए। अमाउंट 18,000 ज्यादा होना चाहिए, कम है, क्वांटिटी ज्यादा होना चाहिए 4 से 8 से, तो ये यहाँ 3 है। अगर मैं एक क्वांटिटी बढ़ा दूँ 10 कर दूँ, तो देखिए 10 करने से क्या हो रहा है, अभी भी आपके पास जीरो आ रहा है। उसकी वजह यह है क्योंकि आपकी एक कंडीशन ट्रू है, दूसरी फॉल्स है। अगर मैं 20,000 करता हूँ, तो देखिए यहाँ ऑटोमेटिकली आपके पास 25,000 आ चुकी है, क्योंकि अब आपकी दोनों कंडीशन ट्रू है। देखिए एंड के अंदर हमारे पास दोनों कंडीशन का दुरुस्त होना जरूरी है। तो ये थे हमारे आज के लॉजिकल फार्मूला, कि हम लॉजिकल फार्मूले को किस तरह किस हम कंडीशन के साथ यूज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, शुक्रिया।